हर साल यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती है हमारी, हर साल हमारा कैंप होता है यहाँ पे, गाड़ियाँ लेके आते हैं हम लोग यहाँ आपको दिखाते हैं। एक बंदा जो है हमारी गाड़ी में नींद कर रहा है, वो है असद मलिक। तो जुनेद भाई निकल आए तो छोटी सी गाड़ी और छोटी सी गाड़ी की डिग्गी में, मतलब जुनेद भाई की हस्ती इतनी है कि डिग्गी के अंदर ही आ जाते हैं। ओ कूलर बाहर पड़ा आ गया। उतरो गाड़ी से, तुम्हारे बाप की गाड़ी, उतरो उतरो। बुरा ना मानिएगा, हम जाट बने हैं, हमें आधी उर्दू आती है, आधी सरेकी आती है। हम जीप रैली चोलिस्तान किला देरावर वहाँ जाने वाले हैं, और मेरे साथ जो हमारी टीम मौजूद है, तो इनमें सबसे पहले तारुफ कराने वाले सरदार जमशेद खान। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे मामू हैं जुनेद अब्बासी, जुनेद अब्बासी के बाद फिर हमारे चाचू हैं, चाचू के बाद फिर हमारे बड़े भाई हैं, और चाचू जो हैं हमारे, वो हमारे हम उम्र लगते हैं लेकिन हैं हमारे चाचू। और इसी के साथ साथ हमारे एक और साथी हैं मुदब्बिर भाई, ये भी। और दूसरा क्या करना है अभी, यहाँ क्या करेंगे आप? हम लोग जाएंगे अभी खाना खाएंगे। हाँ, खाएंगे खाना खाएंगे। क्या खाएंगे आप? चिकन कढ़ाई, जो भी कुछ है। हाँ, जो कुछ। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, आप मर्द हैं, लड़की नहीं है आप, शर्माए नहीं। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फाइनली तो गाइस खाना वगैरह आ चुका है हमारा, और इतना तो दुल्हन भी नहीं शर्माती यकीन माने जितना सरदार शर्मा रहे हैं। ये फ्राइड राइस है, ये चिकन का सालन है। जुनेद भाई बोल रहे हैं जो बंदा आपके साथ बैठा हुआ है वो आपको पहुंचने नहीं देगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है यार। बेइज्जती तो ना करो जुनेद भाई हमारे, ऐसा आगे खतरनाक बोल रहे हैं क्या पे वे खैर उमर सरदार जी है वो खैर। तो हम आ चुके हैं जीप रैली, कहाँ पे? चोलिस्तान। जीप रैली चोलिस्तान में आ चुके हैं। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ का जो व्यू है ये मैं आपको दिखाता चलूँ। तो गाइस ये है चोलिस्तान जीप रैली का व्यू। मैं क्या बोलूं यार, तू बोल तो यार, बोलो ना तुम कुछ तो बोलो जी। ये मेरा भतीजा जैन मलिक, सारी रात इसने हमें तंग किया है, जलील किया है, सारी रात हमें जगाए रखा है, इसने सोने नहीं दिया हमें। एक भोलू का बच्चा है पीछे चुप ये जो बैठा है ना फरहान। अच्छा, इस कार में पता कितने बंदे? छह बंदे। छह बंदे हैं और कहाँ बैठा हुआ है? छठा बंदा डिग्गी में बैठा है, पीछे बैठा हुआ है। हम दिखाते हैं आपको जुनेद भाई डिग्गी में बैठे हुए हैं। सीरियस बस। अच्छा तो गाइस जो है ना, अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम असल में 5 बज रहे हैं, 5:15 का टाइम हो रहा है, और अभी सारी रात भाई ने भी नींद नहीं की, जमशेद भाई ने भी नींद नहीं की, पूरी सारी गाड़ी में जितने भी बंदे बैठे हैं किसी ने नींद नहीं की। नींद की है, एक बंदा आपको दिखाते हैं, एक बंदा जो है हमारी गाड़ी में नींद कर रहा है, वो है असद मलिक, वो देखें असद मलिक। और एक जुनेद भाई को दिखाएं, जुनेद भाई को। ये जुनेद भाई डिग्गी में छुपे हुए तो बाकी असद भाई सोए हुए, जुनेद भाई निकल आए तो छोटी सी गाड़ी और छोटी सी गाड़ी की डिग्गी में, मतलब जुनेद भाई की हस्ती इतनी है कि डिग्गी के अंदर ही आ जाते हैं। तो अच्छा, ये
जमशेद भाई सुबह का नाश्ता हमें चाचा हमारे कराएंगे। हाँ, साला मिला आपको सुबह अच्छा तो ये दोस्तों जैन का चाचा है और मेरा साला है मेरे घर मैंने अच्छा चुप हाँ। अच्छा तो दोस्तों जैन भाई ने एक जैन मेरे भतीजे ने एक बात की है कि सुबह का नाश्ता कौन करेगा। सुबह का नाश्ता जैन भाई हम हलवा पूरी का करेंगे और करेंगे आप, भी चाचू की तरफ से। आप जो भी नाश्ता करोगे आपको नाश्ता हम कराएंगे हमारी हाँ। तरफ से होगा आपको कोई टेंशन नहीं। नहीं 2000 दिए हमने। नहीं 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 2000 दिए नहीं। इसी के साथ हम थोड़ा राउंड लगाते हैं गाड़ी का वो आपको दिखाते हैं सरदार चाबी दिखाएं। ओ कूलर बाहर पड़ा तो, अच्छा तो चैनल के साथ यार एक बंद करो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हाँ। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपने औकात पे आ गई है पहले ये ड्राइविंग सीट पे बैठे थे नहीं आपको ड्राइविंग आती भी नहीं है आपसे तो गाड़ी की चाबी भी नहीं लगी आप किस चीज के ड्राइवर हैं किस चीज के मुझे ये बताओ नहीं नहीं आप मेरी बात मैं आपका उस्ताद हूँ ना गाड़ी लेने आ जाते ना गाड़ी ले क्यों आप ड्राइवर सीट आप ड्राइवर सीट पर बैठ रहे क्यों है मुझे ये बताएं। अच्छा हूँ दिखाए मैं चाबी ला के दिखा आपको थाली किसने दी तो गाइस हम अभी चलाने आते वापस जा रहे हैं कूलर दिखावे कूलर अभी हम अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। जगह है अपनी हमें अब ये भी पता नहीं चल रहा कि हमारी जगह कौन सी है ये देखें अभी यहाँ पे सन्नाटा है हीटर चला रहे देखें कूलर वो पड़ा है कूलर पेना हाँ पड़ा है उधर ही रिवर्स लगानी है अभी आपको व्यू दिखाते हैं इधर ये बताओ ना ये मेले के बारे में बताओ वो सुबह बताएंगे ये देखे गाड़ी रिवर्स हो रही है कूलर के पास ले जाएं कूलर के पास हम जा रहे हैं कूलर दिखाएंगे आपको बैक कैमरे में ये हमारा कूलर पड़ा है कूलर नहीं नजरिया नजर गया है नजर नजर आ जूती के नाल लग जाए ना पता लगे अच्छा जूती भी नाल पड़ी हुई है बाई साइड पे लगा है यार नजर आ गया है ना ओके हो गया यार हम आप इस बात का बुरा ना मानिएगा हम जट बने हैं हमें आधी उर्दू आती है आधी सराकी आती है हम इसलिए मिक्स करके आपको सारी बातें बता रहे हैं उर्दू आधी सराकी में बस तो इसी के साथ साथ अभी वीडियो का एंड करते हैं सुबह आपको इंशाल्लाह मजीद व्यूज सुबह हो गई है बस सुबह होने वाली है होने वाली है अभी हो ही नहीं है सूरज निकलना है सूरज निकलना है ठीक है ओके ओके फिर सुबह आपको ओके कर दो साला साहब ओके थोड़ी क्या पोतरा ये भी आवे से यूट्यूब पे ये भी आवे से ओ जाने आ मुझे वाकई सरदार एक जमशेद एक ट्यूशन खोल जीता ये छोरू ड्राइंग सिखाएगा मैं कहूंगा किला दिलावर के 10 किलोमीटर दूर है 10 किलोमीटर के फासले पर है और हमने यहाँ से जाना है किला दिलावर और वहाँ का विजिट करना है और व्यू ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं मेरे एल्बम में यहाँ से जीप रैली की स्टार्टिंग होगी और यहाँ से जी मैं हूँ जैन मलिक आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZM ऑफिशियल। तो आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के इस चोलिस्तान के रेगिस्तान में जहाँ यहाँ जीप रैली का मेला सजाया गया है और जिसकी शुरुआत की गई है 6 फरवरी से 12 फरवरी तक और आज है लास्ट डे। और आइए चलते हैं हम आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन सिद्दीकी। आप क्या करते हैं? मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, तो यहाँ ये जीप रैली के इस मेले में आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम हर साल यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती है हमारी, हर साल हमारा कैंप होता है यहाँ पे, गाड़ियाँ लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे। आप कब आए? हम परसों से आए हुए हैं, दो दिन आए हैं। और कैसा लग रहा है आपको, एंजॉय कैसा किया? अच्छा लग रहा है जी हमें यहाँ पे और बहुत अच्छा इवेंट है ये, तो इसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं माशाल्लाह जी। आप खुद क्यों नहीं जीप चलाई?
खुद अभी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है हमें, हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम इस रेस में भी हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये इवेंट होने चाहिए या फिर और मजीद? हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए, ये इवेंट एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये एक स्टेप है जो उन्होंने लिया है, इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट बन चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। अच्छा यहाँ जीप रैली में आए हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते हैं हम, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। आप किस टीम से एक्सपेक्ट रखते हैं जीतने की? सुल्तान से, मतलब एक एक तो नादिर मक्सी है सुल्तान और दूसरा साहिबजादा सुल्तान, तो आप किस टाइम से? साहिबजादा सुल्तान से। वो क्यों? बस मेरे भाई का नाम सुल्तान है तो मैं सुल्तान को लाइक करता हूँ। सुल्तान है भाई का नाम, इस वजह से आप जो है ना सुल्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ऐसे इवेंट होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, इस तरह से इवेंट होने चाहिए, मुल्क में जो मसल के परेशानी है इससे इंजॉयमेंट मिलती है इंसान को और बस। अच्छा जी, तो हमने आवाम की राय ली और आवाम से इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। दिलावर, किला दिलावर, ये हमारे सामने किला दिलावर है और अभी हम जाएंगे अंदर का विजिट करेंगे। आए चलें अब शेर में भाई, सर्दी में काफ़ी लग रही तो मैंने जो है ना तीन तीन आइटम पहने हुए क्योंकि मुझे तबीयत तो बहुत ख़राब थी मेरी तो, लेकिन और भी लास्ट में बनाना था और मेरे कैमरा मैन मेरी जब तो जैद कर रहे हैं और साथ में हमारे फोटोग्राफर भी आए हुए, हमारे भाई क्या नाम है जमशेद भाई जो के और जो फन हमने रात को किया है क्या बताऊं मैं। तो अभी जुनेद भाई कहाँ जाए?